कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रायबरेली और अमेठी के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीद के विपरीत राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके नाम की घोषणा रायबरेली सीट से की गई है। जी हां, राहुल गांधी ने इस बार अमेठी को त्याग दिया है और अब वो रायबरेली से अपनी किस्मत की आजमाइश करेंगे। कांग्रेस ने अमेठी में किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला स्मृति ईरानी से होगा। स्मृति ईरानी ने 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी में पटकनी दी थी। रायबरेली से कांग्रेस की उम्मीदवार पिछले बार सोनिया गांधी थी, जिन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं और उनकी जगह रायबरेली से राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं। ये दोनों सीटें पारंपरिक रूप से गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों के पास रही है। पहली बार पार्टी ने अमेठी से गैर गांधी परिवार से उम्मीदवार बनाया है। अमेठी से बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, जबकि रायबरेली से बीजेपी ने दूसरी बार दिनेश प्रताप सिंह पर भरोसा जताया है। दिनेश प्रताप सिंह 2019 का चुनाव हार गए थे, जब सोनिया गांधी ने जीत हासिल की थी। सिंह पहले कांग्रेस में थे और 2018 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। सिंह 2010 में पहली बार और 2016 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य बने थे। 2022 में वह भाजपा के टिकट पर रिकॉर्ड मतों से जीतकर तीसरी बार एमएलसी बने थे। सिंह का परिवार रायबरेली में पंचवटी नाम के आवास में रहता है। पिछले करीब एक दशक से यह परिवार रायबरेली की राजनीति में केंद्र में है।